ਪਰਨਮ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ $65 ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਐਸਾ ਹੈ ਮਖੂ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਥਾ ਠੀਕ ਹੈ उस समय भारत के 1 रुपए और अमेरिका के $1 कीमत बराबर होती। भारत में तथाकथित आजादी 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसके बाद भारत की कुछ मुद्रा जो रुपया है वो गिरा और उस समय भारत का 13 रुपया और अमेरिका का $1 था। आज ये स्थिति है कि भारत का 65 रुपया और अमेरिका का $1। इसका मतलब है कि रुपया स्थिर नहीं है। कई रुपये की वैल्यू गिर रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए रुपया आए दिन गिर रहा है। किसी भी देश की करेंसी देश के खजाने पर निर्भर करती है कि उस देश के अंदर सरकार या उस देश में सरकारी संपत्ति कितनी है, सरकारी गोल्ड कितना है, सरकारी जमीन जायदाद या और भी कारखाने कितने हैं, उनके आधार पर उस देश की करेंसी की वैल्यू गिनी जाती है। जबकि यहां इस देश के अंदर तो ऐसा है कि भारत सरकार के पास जितना सोना नहीं है खजाने में उससे कई गुना ज्यादा सोना तो देश के मंदिरों में पड़ा है, जहां पर भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुछ 27 लाख मंदिर हैं पूरे भारत में, छोटे और मोटे 27 लाख मंदिर हैं। उनमें से मैं 4 मंदिरों का आंकड़ा आपको बता दूं कि 4 मंदिरों में 30,000 टन सोना, 30,000 टन सोना। और उन मंदिरों के ऊपर ना तो पब्लिक का कोई कंट्रोल है, ना सरकार का कोई कंट्रोल है, पता नहीं किसका कंट्रोल है ये भी पता नहीं। मैं आपको सिर्फ 4 मंदिरों का उदाहरण दूं इस देश के अंदर, और टोटल मंदिर भारत में 27 लाख। अभी तक हमारे पास 4 मंदिरों का आंकड़ा है, जिसमें महालक्ष्मी मंदिर है, शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर है, महापद्मानंद मंदिर है और तिरुपति बालाजी। ये 4 मंदिरों के पास ऑन द रिकॉर्ड 30,000 टन सोना है। मैं दावे से कहता हूं कि अगर वो 30,000 टन सोना लाकर के भारत की खजाने में रख दिया जाए तो भारत का रुपया और डॉलर बराबरी में आज भी आ जाएगा, आज भी आ जाएगा। लेकिन अगर उन 27 लाख मंदिरों में रखी हुई प्रॉपर्टी और जो आज की तारीख में सरमाएदारों के पास में जो सरकार की संपत्ति बेच करके उनके कर अधिकार में डाल दी गई है, उस सारी संपत्ति को अगर भारत सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो अमेरिका $65 लेकर 1 रुपया लेने आएगा, ये मैं कहता हूं। सर थोड़ी गल तो मैं याद आया है, तुम सोने की गल कर रहे हो कि मंदिरों के सोना पिया हो। अब कुछ समय पहला की गल है कि न्यूज के मैं भी सुन रहा सा साउथ वाली साइड किसी मंदिर के बेइंतहा सोना निकलिया, मेरे ख्याल 5 कमरे खोले गए, इसके बाबत तुम्हारा की नजरिया है? ऐसा है कि ऐसे अथाह मंदिर जिनके बारे में मैंने जिक्र किया है कि वहां पर खजाने के रूप में अथाह सोना पड़ा हुआ है, वो जिसका जिक्र आप टीवी में कह रहे थे हमने भी देखा था और हमने उसको गहराई से देखा था कि वो साउथ का एक मंदिर था जिसका नाम था महापद्मानंद मंदिर, और वहां पर सोने के खजाने के रूप में जब 5 कमरों खोला गया तो उसके अंदर लगभग 10,000 टन से ज्यादा सोना मिला था एक ही मंदिर में। उसके बाद जब छठे खजाने का छठा दरवाजा खोलने के लिए तैयारी हुई तो उसमें पता लगा कि वो जो पहले सोना मिला उससे कई गुना ज्यादा सोना उस कमरे में है या उस रूम में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उसके ऊपर रोक लगा दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट को उसे पब्लिक का धन मान करके सरकार के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कि नहीं दरवाजा बंद करो खोलना नहीं है। और उसके बाद वो खबर कहाँ गायब हुई, मीडिया के लोगों को अंदर घुसने पर रोक लगा दी गई और वो सोना किधर और कहाँ गायब हो गया आज दिन तक किसी को पता भी नहीं चला है।